तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जवान मूवी के प्रीव्यू की जो भाई साहब व्यूज के ऊपर जो ट्रेंडिंग में जो बातें चल रही हैं उसके बारे में भाई साहब कुछ भी कहना, मतलब क्या कहना है, मतलब क्या ही कहूं क्या ही कहूं, बोलती तो सबकी बंद हो चुकी है। मतलब बहुत से लोगों का ये कहना है कि इतने कम समय में जवान मूवी के प्रीव्यू ने इतने सारे व्यूज कैसे गेन कर लिए। मतलब 112 मिलियन तो मैंने ठीक सुबह 24 घंटे पहले देखे थे, अब तो और भी ज्यादा हो गए होंगे। लेकिन मैं सिर्फ ऑफिशियली अपडेट से ही बात करूंगा, जो कि ऑफिशियली अपडेट आई है, जो एक पोस्टर निकाला है रेड चिलीज ने 112 मिलियन का, मैं सिर्फ उसी से ही रिलेटेड बात करूंगा, बस और किसी पे बात नहीं करूंगा। ट्विटर पे मैं बता दूं आपको, ट्विटर पे जो इस टाइम पे ट्रेंडिंग न्यूज बनी हुई है वो ये बनी हुई है दोस्तों कि 112 मिलियन व्यूज जवान के प्रीव्यू ने ठीक 24 घंटे में गेन कर लिए हैं। और तो और मैं आपको बता दूं कि KGF 2 का जो टीजर आया था वो 5 लैंग्वेजेस में आया था, और 5 लैंग्वेजेस में आने के बाद 24 घंटे में उसके ठीक 109 मिलियन व्यूज आए थे। और जवान के प्रीव्यू की कितनी लैंग्वेज में है, सिर्फ 3 लैंग्वेजेस, और इसने 24 घंटे में 112 मिलियन व्यूज गेन कर लिए। मतलब इस टाइम पे नंबर 1 पे जवान का प्रीव्यू के व्यूज आए हुए हैं 112 मिलियन। अभी तक इससे बड़ा रिकॉर्ड और किसी का नहीं है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में। KGF 2 का था, उसका भी टूट चुका है, अभी जवान का हो चुका है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मतलब शुरू के जो 14 आवर्स होते हैं, शुरू के 14 आवर्स में ये किस किस से आगे निकल चुकी है। देखिए, जवान के 14 आवर्स, शुरू के जो 14 आवर्स थे, जवान के व्यूज थे 30 मिलियन, मैदान के थे 29.9 मिलियन, और भारत के थे 21.4 मिलियन, कलंक जो मूवी आई थी उसके थे 20 मिलियन, संजू 19 मिलियन, पठान के सबसे कम 17.1 मिलियन। और सिर्फ शुरू के 14 आवर्स में जवान ने 30 मिलियन व्यूज गेन करे। यार, ये होता है क्रेज, दिस इज कॉल टू शाहरुख खान, दिस इज अ रियल फिल्म इंडस्ट्री मैन। पूरा बॉलीवुड एक तरफ और ये अलग शाहरुख खान एक तरफ, मतलब बंदे ने ये साबित कर दिया कि मैं किंग हूं, तुम लोग क्या हो, आई डोंट केयर अबाउट दैट। मतलब यार, जवान शाहरुख खान, मतलब उसने खत्म खत्म भाई साहब खत्म। मैं आपको ये लिख के देता हूं कि ये मूवी फर्स्ट डे जो करेगी भाई साहब 50 करोड़ से ऊपर का बजट जाने वाला है, और ये टोटल जो इसका वर्ल्ड वाइड होगा, मतलब टोटल फाइनल बजट, वो ये 15 करोड़ करेगी। मैं लिख के देता हूं ये, क्योंकि पठान जैसी मूवी, मतलब पठान इसके आजू बाजू भी नहीं है, उसने 1050 का 1100 करोड़ का बिजनेस कर लिया। तो भाई साहब, ये तो अजीब और गरीब ही है। मतलब इसमें तो इतना पागलपन कर दिया शाहरुख खान ने कि जिसके बारे में कुछ भी कहना अभी ये होगा कि भाई तूने कम बोल दिया। मैं मूवी देखने के बाद ही बोलूंगा, जब मैं मूवी का रिव्यू दूंगा तो एक स्पेशली रिव्यू होगा वो। दोस्तों, इसने एक हिस्ट्री कायम कर दी है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की। तो मैं लिख के देता हूं कि ये मूवी भाई साहब 1500 करोड़ आराम से करेगी, बिल्कुल आराम से करेगी। अगर मेरी बात पे आपको शक हो तो नीचे कमेंट में आप मुझे जरूर बताना। बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।